बहुत से लोग तो दूसरे को नहीं अपने आप को निष्कामता के नाम पर बहुत ठगते हैं। अब वो ठीक से पढ़ते तो है नहीं, न सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं, तो कहते हैं ये सब ढोंग ढकोसला है पूजा पाठ। बोले हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म पर भरोसा करते हैं, कर्म पर विश्वास करें, सब ढोंग ढकोसला, ये सब हमको पसंद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, और बहुत से लोग तो महाराज संत वाणियों का भी सहारा लेते हैं। अरे महाराज ये सब क्या होता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास जी का वचन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा जी प्रकट हो जाएंगे। अब हम पूछते हैं दिन चढ़े तक सोने से मन चंगा होगा, चाय कॉफी और ऊटपटांग चीजें निषिद्ध वस्तु खाने पीने से मन चंगा होगा, झूठ बोलने से मन चंगा होगा, ताश खेलने से मन चंगा होगा? ऐसे ही लोग जिनका जीवन एकदम विनाश की ओर जा रहा है, वे भजन साधन से बचने के लिए कह देते हैं ये सब हम नहीं मानते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मूर्ख, तेरा मन चंगा होगा? मन चंगा नहीं है, तेरे मन में तो कोढ़ हो रखा है, दुष्ट कुष्ठता मन कुटलई, मन की कुटिलता यही कोढ़ है, तेरा मन कोढ़ है, कोढ़ से भरा हुआ है, तेरा मन चंगा नहीं है। मन चंगा तो राम नाम लेने से होगा। जो तू राम नाम कही गावेगा, राम नाम कही गावेगा, तो भेद अभेद समावेगा, तो भेद अभेद समावेगा। रैदास जी कहते राम नाम गाओगे तभी सब भेद खत्म होगा, भेद अभेद में समाहित हो जाएगा, अभेद हो जाएगा, भेद मिट जाएगा, अभेद हो जाएगा। अब निष्काम कर्मयोग की सिद्धावस्था क्या है? जीवन में समता आ जाना, व्यवहार में समता आ जाना, हानि लाभ जय पराजय आदि में समता आ जाना। अब हम पूछते हैं जो अपने को निष्काम कर्मयोगी मानते हैं, मुनाफा होता तो क्या उनके भीतर हर्ष नहीं होता, और घाटा होता तो क्या उनके भीतर विषाद नहीं होता? कोई आदर करता है तो प्रसन्नता नहीं होती, और कोई तिरस्कार करता है तो बुरा तो नहीं लगता? बोले ये तो सब लगता है। तब क्यों अपने आप को ठग रहे हो कि हम निष्काम कर्मयोगी हैं? हैं? निष्काम कर्मयोगी का तात्पर्य होता है कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना, और कर्म करने के बाद भगवत अर्पित कर देना, यही वही उसकी सर्वोच्च स्थिति है। यह सब नहीं हो पा रहा है, एक तो कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर कर्म नहीं हो रहा है, फिर भगवत प्रीत्यर्थ नहीं हो रहा है, फिर भगवान को समर्पण नहीं हो रहा है, तो हमें लगता हम निष्काम कर्मयोग के भी अधिकारी नहीं है। तो बोले चलो आपने भक्ति योग को बहुत सरल बता दिया, भक्ति योग के अधिकारी हैं। ध्यान से सुने, भक्ति योग की जो परिभाषा दी गई है, 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है, उसमें भक्ति भक्तों के जो लक्षण दिए हैं, ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त, उन दोनों के जो लक्षण दिए हैं, उनमें से किसी एक भी लक्षण की छाया अपने में दिखाई पड़ती है क्या? हमें तो समझ में नहीं आती, तो काय के भक्त। फिर भक्ति की परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है, तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड जो स्मृति है उसको भक्ति कहा गया। क्या? जैसे आपने तेल किसी पात्र में छोड़ा तो देखा होगा तेल की पूरी धार ऐसी लग जाती है, तो अखंड तैल धारा के समान
निरंतर भगवान नाम रूप लीला की गुण की चरित्र की स्मृति बनी रहे, आधे क्षण के लिए भी स्मृति बाधित न हो, उसको कहते हैं भक्ति। हमारी स्थिति तो ये है कि जितनी देर नित्य नियम करते हैं उतनी देर भी अखंड स्मृति नहीं होती, उस बीच में भी बार बार खंड स्मृति हो जाती, पता नहीं ये दिमाग कहां से कहां चला जाता है। इसलिए हमको एक एक काम बहुत अच्छा लगा, जबके काल में भी किसी भक्त का चरित्र या कोई सत्संग सुनो तो बहुत अच्छा है, जप भी होता रहे और दिमाग इधर उधर जाने से बच जाएगा, भक्त के गुण में भक्त के चरित्र में तो ये अच्छा साधन। और यदि सीधे सीधे तन्मयता पूर्वक होता हो तब तो क्या कहना, बहुत अच्छी बात। अब एक बड़ी भारी समस्या आ गई, समस्या यह आ गई कि ज्ञान योग के लायक हम हैं नहीं, कर्म योग के लायक भी हम बन नहीं पाए और भक्ति योग की परिभाषा भी हमें घट नहीं रही है। तो जीवों के कल्याण के तीन ही साधन थे और तीन में से एक के भी लायक हम नहीं हैं, तब तो हमारे कल्याण का कोई साधन फिर बचा ही नहीं। बोलो, कोई साधन बचा कल्याण का? कोई साधन नहीं बचा। हाँ, एक साधन है। क्या? आप ज्ञान योग के अधिकारी नहीं है, न रहने दो। कर्म योग पर भी चल नहीं पाते, नहीं चल पाने दो। भक्ति योग के अधिकारी नहीं है, न रहने दो। किसी लायक न हो, केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करो, बस इतना करो। इस वैखरी वाणी से राम नाम का उच्चारण इतना तो कर सकते कि नहीं? भले ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग के अधिकारी नहीं है, केवल जिह्वा से राम नाम का जप करें। जिह्वा से राम नाम का जप करते 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 जब तक नाम का स्वाद नहीं आ रहा है तब तक नाम की स्मृति बाधित हो रही है, और जब नाम जपते 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 भवरोग समाप्त होगा, नाम के अपूर्व महा महा मधुरामृत का स्वाद मिल जाएगा, आहा, जब रोम रोम से रंकार गूंजने लग जाएगा, किसी भी अवस्था में आधे क्षण के लिए भी नाम से वियोग नहीं होगा, नाम में पराप्रीति हो जाएगी, तो बिना चाहे राम राम करते करते भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि तैल धारावत अखंड विच्छिन्न भाव से नाम रूप की स्मृति लीला की स्मृति भक्ति है, वो भक्ति राम राम करते करते आ जाएगी। राम राम करते करते रूप का प्राकट्य हो जाएगा, रूप प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य हो जाएगा, और लीला जहां होती है उसी को धाम कहते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धरती के किसी कोने में रहने वाला राम नाम जापक, उसके हृदय में ही अयोध्या और हृदय में ही वृंदावन प्रकट हो जाता है, केवल राम राम करे। तो अब देखिए महाराज जी, केवल राम राम करने से भक्तियोग का अधिकारी हो गया, भक्तियोग आ गया उसके पास। अब भक्तियोग आते ही कर्मयोग आ जाएगा। कैसे? बोले फिर अपनी इच्छा से कर्म नहीं करेगा, वो क्रियमाण कर्म भगवान की इच्छा से करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। और करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ करेगा वो भगवान को अर्पित कर देगा, फिर हानि लाभ जय पराजय इस सब से मुक्त हो जाएगा। हैं? तो देखो, बिना चाहे कर्मयोग की सिद्धि हो गई। और फिर राम राम करते 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 जब तदाकार हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, तादात्म्य भाव हो जाएगा, तो हमारा अंतर्यामी राम जी से भिन्न नहीं है, राम जी ही हमारे अंतर्यामी हैं, और वही राम जी सब में हैं, सब जग देखे एक है भाव, सब में एक का दर्शन होने लग जाएगा, तो केवल राम नाम के सहारे ही ज्ञान योग की सिद्धि हो जाएगी। केवल राम नाम को पकड़ लो तो ज्ञान कर्म भक्ति तीनों आ जाएंगे, और जीवन भर प्रयास करते रहो राम नाम का आश्रय न लो तो न ज्ञान योग सिद्ध होने वाला, न कर्म योग सिद्ध होने वाला, न भक्ति योग सिद्ध होने वाला। इसलिए जो दुनिया
तो भी मैं राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। अधम कमीना जाति मति ना। अधम कमीना जाति मति ना। तुम तो हो सिर ताज हमारा। तुम तो हो सिर ताज हमारा। काया का जंत्र शब्द मन मुठिया। सुख मन तात चढ़ाई। काया का जंत्र समझ मन मुठिया। सुख मन तात चढ़ाई। गगन मंडल में दुनिया बे गगन मंडल में दुनिया बेटा। मेरे सतगुरु कला सिखाई। मेरे सतगुरु कला सिखाई। जो दुनिया तो भी मेरा दुनिया भी मेराम तुम्हारा। पाप पान हर कुबुध कांकड़ा। सहज सहज झड़ जाई। पाप पान हर क्रोध कांकड़ा। सहज सहज गुंडी गांठ रहन नहीं पावे। गुंडी गांठ रहन नहीं पावे। एक रंगी हुए आई। एक रंग राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। एक रंग हुआ भरा हरि चोला। हरि कह कहा दिलाऊं। एक रंग भला भरा हरि चोला। हरि कह मैं नाही मेहनत का लोभी। मैं नाही मेहनत का लोभी। मैं नाही मेहनत का लोभी। मैं नाही निकालो भी। मैं नहीं मेहनत निकालो भी। बक्सो मौज भगति निज पाऊं। बक्सो मौज भगति निज पाऊं। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। जो दुनिया तुम्हारा तुम्हारा। कृपा कर हरि बोले बानी। कृपा कर हरि बोले बानी। कृपा कर हरि बोले बानी। कृपा कर हरि बोले वाणी। तुम तो हो
दास तुम तो जन दरिया कहे आत्म भीतर जन दरिया कहे आत्म भीतर मेलो राम भगत विश्वास मेलो राम भगत विश्वास जो दुनिया तो भी मेरा राम तुम्हारा जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं हमारे भारतवर्ष के साधु समाज के आभूषण गौरव वैष्णव कुलभूषण परम साधु सेवी श्री अयोध्या मणिराम छावनी वाले पूज्य श्री महाराज जी कृपा करके विराज रहे हैं सभा में मंच पर। कल भी मंगलमय दर्शन हम सबको प्राप्त हुआ था, आज भी उनका मंगलमय दर्शन हो रहा है और कल तो महाराज जी कुछ श्रमित थे पर आज महाराज जी के वचनामृत का प्रसाद भी हम लोगों को आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो हम निवेदन यह कर रहे थे कि जो जीव ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग का भी अधिकारी न हो वह सर्व साधन शून्य प्राणी भी केवल राम नाम का आश्रय ले और केवल जिह्वा से राम नाम का आश्रय ले तो केवल एक राम नाम के आश्रय से ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों जीवन में अवतरित हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक ही साधन सब रिद्धि सिद्ध साधरे भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे इसलिए राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नाम। केवल साधु सेवा और नाम जप के बल से महाराष्ट्र के वैश्य कुलोत्पन्न महाजन भक्तराज श्री त्रिलोचन जी ने साक्षात भगवान पंढरीनाथ को नौकर बना लिया, अंतर्यामी के रूप में भगवान उनके नौकर बन गए। या विधि से कोई लवलावे सो अभिगत से टहल करावे, प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं, सो अभिगत से टहल करावे। आज महाराज जी ने श्री स्वामी दयालदास जी महाराज इनकी अनुभव वाणी भक्तमाल प्रदान की है, यही विराजमान थी पूजा में नित्य, लेकिन आज पूज्य महाराज जी ने कृपा पूर्वक प्रदान की है तो इसमें भी श्री त्रिलोचन जी का चरित्र बड़े अच्छे भाव में छंद में आचार्य चरण श्री दयालदास जी महाराज ने दिया है।
त्रिलोक चंद जन भया साधु सेवा बड़ भागी। त्रिलोक चंद जन भया साधु सेवा बड़ भागी। छप्पे छंद है। त्रिलोक चंद जन भया साधु सेवा बड़ भागी। 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 बैठो भयो दयाल सदा जी मन अनुरागी। बैठो भयो दयाल सदा जीवन अनुरागी। पीसत सोवत दिवस पहले इंछ्या मन कर है। पीसत सोवत दिवस पहले इंछ्या मन बरस एक व्रत मान दरस पर क्षण जन घर है। बरस एक व्रत मान दरस पर क्षण जन घर है। हुए अलोप जानी जुगत दास भाव करुणा सजन। हुए अलोप जानी जुगत दास भाव करुणा सजन। धर्म सनातन देश करो ज्ञान देव पर साध देना। हाँ धर्म सनातन देश करो ज्ञान देव पर साध देना। नाभाजी ने त्रिलोक जी के चरित्र का अलग छप्पे छंद नहीं लिखा, केवल ज्ञानेश्वर जी के छप्पे छंद में उनका स्मरण मात्र किया। नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। किंतु श्री स्वामी दयालदास जी ने त्रिलोक भक्तराज श्री त्रिलोक महाजन जी का स्वतंत्र छप्पे छंद लिखा, पढ़कर के मन बहुत प्रसन्न हो गया। इसमें लिख रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में है कि श्री त्रिलोचन भक्त भाग्यवान साधु सेवी हुए। स्वयं भगवान जिनके यहाँ अंतर्यामी बन करके नौकर बन करके आए, भरपेट भोजन पर काम करने वाले नौकर, सदा जीवन अनुरागी, केवल भोजन दो और हम आपके घर में नौकर नौकरी करेंगे। और 13 महीने तक, वैसे प्रियादास जी ने 13 महीना लिखा है और दयालदास जी ने 1 वर्ष लिखा है, तो कोई ज्यादा नहीं, 1 महीने का अंतर है। तो चाहे 12 महीना कहो चाहे 13 महीने कहो, ठाकुर जी स्वयं नौकर बनकर के घर में रहे। किंतु पीसत पोवत दिवस पहले इन श्यामन करे। किंतु त्रिलोक जी की पत्नी को थोड़ी असुविधा हुई कि हमको ही पीसना पड़ता है, हमको ही इसको जिमाना पड़ता है। तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और अब जब त्रिलोचन जी को यह पता चला, बड़े दुखी हुए, तो भगवान ने प्रकट होकर कहा कि हे भक्तराज त्रिलोचन महाजन, तुम्हारी साधु सेवा से प्रसन्न होकर हम स्वयं ही तुम्हारे यहां अंतर्यामी नौकर के रूप से विराजमान रहे। बोलो श्री त्रिलोक जी महाराज की जय। चार संप्रदाय का इतना सुंदर वर्णन किया है श्री स्वामी दयालदास जी ने, इसके आगे के छप्पे में इतना सुंदर वर्णन एक छप्पे में कहीं नहीं मिलेगा।
महाराज जी सब अपने साधुओं के संप्रदाय सभी अनि अखाड़े सब कहे यहाँ के आचार्य चरण ने। प्रथम संपदा चार जिनुते द्वारा बावन, चार संप्रदाय में बावन द्वारे हैं। ज्ञान ध्यान वैराग्य प्रगट की रति जग पावन, निरालंब निरालंबी अखाड़ा, निर्वाण निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर के निर्मोही, दिगंबर अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा है, खाकी गूदड़ जानी झिल झूलिया बिरकत सोई, अच्युत गोत्र ये सब अच्युत गोत्री हैं, ताटंबरी भजन आनंद पद उद्धरो, भगत जुगत कारण मुगति, श्रुतानंद श्रुपानंद बंदन करो। कहते मुक्ति के स्वरूप इन चारों संप्रदाय की मैं वंदना करता हूँ। श्री दयालदास जी महाराज कहते हैं, कहते चार संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय में श्री रामानंद संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय में श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय, सनक संप्रदाय में श्री निंबार्क संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय में श्री माध्व संप्रदाय, और इन्हीं चार संप्रदाय के बामन द्वारे हुए, जिनसे ज्ञान ध्यान वैराग्य की पावन कीर्ति संसार में प्रकट हुई। निरालंबी निर्वाणी दिगंबर निर्मोही खाकी गूदड़पंथी झूलिया विरक्त अच्युत गोत्री टाटंबरी भजनानंदी, ये सब विरक्तों की संप्रदायों में अलग अलग श्रेणियां हैं, इनमें सारा संप्रदाय निबद्ध है। बोलो श्री स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। अब बहुत ध्यान से सुने महाराज जी कि श्री स्वामी दयालदास जी कह रहे हैं, खुद भव सिंभव उदास दास निर्णय सिद्धकारी, प्रगट परिचय संत भक्त जग में विस्तारी, श्री रामानंद धिन राम किशन नीवानंद राजे, विष्णु स्वाम नारद माधवा बुधा विराजे, चत्र व्यूह सिनकादि जिम जिन तारण अवतार है, बाणी चार प्रकार मुख अनुभव एक अपार है। श्री स्वामी दयालदास जी महाराज कह रहे हैं कि खुदब संभव उदास और दास, ये चार प्रकार की श्रेणियां संतों के समाज में चलती हैं, जिनसे निर्णय सिद्ध किया जाता है। संतों ने परिचय को प्रकट किया, संसार में भक्ति का विस्तार किया। किस किस ने भक्ति का विस्तार किया? तो श्री स्वामी दयालदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी धन्य हैं जिन्होंने रामोपासना का ध्वज फहराया। श्री रामानंद धिन राम, धन्य है रामानंद स्वामी जी को जिन्होंने रामोपासना का ध्वज फहराया। श्री निंबार्काचार्य जी ने कृष्णोपासना का ध्वज फहराया, और श्री विष्णु स्वामी इन्होंने प्रेमा भक्ति का ध्वज फहराया, और माधवाचार्य जी महाराज ने ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य जी महाराज ने भी भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये चारों संप्रदाय के आचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी, श्री निंबार्काचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, इन चारों आचार्यों ने भक्ति का प्रचार किया। एक महाराज जी बड़ा उच्चकोटि का समाधान इस प्राचीन ग्रंथ से मिल गया कि चतुष संप्रदाय में बहुत से लोग रामानंद संप्रदाय को नहीं गिन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। वो कहते हैं रामानुज संप्रदाय तीसरी संप्रदाय है और उसकी शाखा रामानंद संप्रदाय है, लेकिन इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि रामानुज संप्रदाय की शाखा रामानंद संप्रदाय नहीं है। रामानंद संप्रदाय स्वतंत्र संप्रदाय है और चतुष संप्रदाय के संगठन में रामानुज संप्रदाय नहीं है, चतुष संप्रदाय के संगठन में श्री रामानंद संप्रदाय ही है। ये इस वाणी से सिद्ध हो गया। आगे और इसको स्पष्ट करेंगे। अब वो दूसरा विषय उसकी चर्चा हमें करनी नहीं है यहां, क्योंकि बड़े दुख की बात है, इस झगड़े ने हमारे एक प्राचीन पीठ जिससे तमाम परंपराएं प्रकट हुई,
हमारे श्री रामस्नेही संप्रदाय की कई परंपराएं गलता से निकली हैं। गलता से निकली कि नहीं निकली? और वह गलता श्री रामानंद संप्रदाय का प्रधान पीठ आज दुर्भाग्य से गृहस्थ हो गया। महान विरक्तों की गद्दी आज गृहस्थ हो गई। और अधिक दुर्भाग्य की बात है कि जिस संप्रदाय का वह मूल श्रद्धा, आस्था और उपासना का केंद्र है, उस परंपरा में जो इस समय वहां सेवा पूजा कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को उस परंपरा का ही मानने से इनकार कर दिया, अपने को रामानुजी घोषित कर दिया। इससे अधिक और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है? हमारे प्राचीन परंपराएं, हमारा किसी संप्रदाय से विरोध नहीं है। जितना आदर हम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का करते हैं, उससे कम आदर श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी का नहीं करते हैं। हमारे श्री रामानंदाचार्य जी साक्षात रघुनाथ जी हैं। रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो मही तले, तो श्री रामानुजाचार्य भी साक्षात लक्ष्मण हैं। भैया, कोई राम जी का भक्त लक्ष्मण जी का तिरस्कार कैसे करेगा? लक्ष्मण जी तो आचार्य तत्व हैं। किंतु जहां एक परंपरा की सुरक्षा की बात है, वहां जो सच्ची बात है, उसे सबको कहना भी चाहिए और सबको उसे स्वीकार भी करना चाहिए। श्री दयालदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम भय चौतीस पुनर्नव ज्ञान विज्ञात विख्याता त्रितय पंच प्रवीण चतुर्थे चार विख्याता सिख शाखा गुरु पदत मेहते द्वारा बहु गादी अनित कोट धिन संत भगत आंकुर जुगादी राम रता अवधूत मत उर्विच ध्यान प्रवानिये चार संप्रदा पद प्रताप द्वारा बावन जानिए। बावन द्वारे प्रथम श्री संप्रदाय के रामानंद स्वामी जी के 36 द्वारे हुए, दूसरे सनक संप्रदाय के 9 द्वारे हुए, रुद्र संप्रदाय के 5 हुए और ब्रह्म संप्रदाय के 4 हुए। ये मिलाकर के 52 द्वारे हैं और अनेक गद्दियां हैं, बहुत अधिक इनका विस्तार हुआ है। कहते हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के अनंतानंदाचार्य जी, कबीर जी, सुरसुरानंदाचार्य जी, सुखानंद जी, रैदास जी, धना जी, पीपा जी, सेना जी और नरहरियानंद जी, भावानंद जी, सुरसुरी जी, पद्मावती जी, ये सब नाम छप्पे छंद में श्री स्वामी दयालदास जी महाराज ने लिए हैं। अनंतानंद कबीर सुरसुरानंद ध्यानरत सुखानंद रैदास धना पीपा सेनापत सजन नरहरानंद भगत भावानंद भाई सबद सुरसुरी रत्न नमो पद्मावती बाई मकसूदन अर्ध सिख प्रसिद्ध राम भजन तत्सिद्धता रामानंद प्रसाद गुरु आत्म परिचय सिख इता। इतने हुए। कहते हैं कि तो इस प्रकार से संपूर्ण संप्रदाय के सिद्धांत का बड़ा अद्भुत विवेचन किया है आपने। और बड़ी ऊंची बात यह है कि कई चरित्र जो भक्तमाल में श्री नाभाजी जिनका स्मरण नहीं कर पाए, उन चरित्रों का भी स्मरण श्री दयालदास जी महाराज ने किया है। ये इनके इस वाणी का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट है। तो हम आज के अपने वक्तव्य को पूर्ण कर दें, त्रिलोचन जी के वक्तव्य को, त्रिलोचन जी के चरित्र को हम पूर्ण कर दें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अंतर्यामी रूप से त्रिलोचन जी के घर में सेवा करने लगे। अकेले ही सब सेवा कर देते, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा। और बड़ा चमत्कार तो यह था कि जब से ठाकुर जी अंतर्यामी के रूप से सेवक बन करके वहां आए, तब से साधुओं की भीड़ बढ़ गई। पहले तो संतों की जमातें आती थी तो एक दिन दो दिन ठहरी, प्रसाद पाया और से ताराम कह के चले गए। और अब जो जमात आ जाती वो जाने का नाम नहीं लेती।
कहते भैया अंतर्यामों को छोड़कर जाना हमारे बस की बात नहीं, इतने संत घर में रहने लग गए और इतना चमत्कारी सेवक अंतर्यामी के किसी पंगत में जीवने बैठे और किसी संत की इच्छा हुई कि हमको खीर खाना है तो एक ही बाल्टी से वो उसको खीर परोस देते, और बगल में बैठे संत की इच्छा है कि हम खीर नहीं हम तो कढ़ी खाएंगे तो बाल्टी बदलने नहीं जाते, उसी बाल्टी में कढ़ी भी प्रकट हो जाती उसको कढ़ी दे देते। ऐसा चमत्कारी से जितने साधु उनको यही अनुभव होता कि अंतर्यामी तो 24 घंटे मेरी ही सेवा में रहता है, हर समय अमित रूप प्रकटे ते ही काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तो ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, तो सबको यही अनुभूति होती। और भगत जी की हालत तो ये हो गई त्रिलोचन जी की, कह ठाकुर जी त्रिलोचन जी को मालिश करते स्नान कराते और बढ़िया कपड़ा पहना के बिठा देते, कह बस आप तो माला फेरो और सब काम तो मैं अकेले ही कर लूंगा। कहां तो त्रिलोचन भगत जी बूढ़े हो गए थे, पर ठाकुर जी ने सेवा करके ऐसा चंगा कर दिया कि उनकी झुर्री उर्री सब गायब, वो तो एकदम चमकने लग गए, उनके कपोल गुलाब के जैसे खिल गए। लेकिन उनकी गृहिणी जो भक्तिन हैं उन पे जोर ज्यादा, ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया था कि हम 5-7 सेर खाते हैं और फिर खाना यदि हमारा कोई सहन करे तब तो हम रहते हैं, और मान लो कोई शिकायत करे कि ये बहुत पेटू है बहुत खाता है फिर हम वहां एक क्षण भी नहीं रुकते, फिर हम वहां से चले जाते हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य श्री खाक चौक वाले महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज, महाराज जी सुनाते थे कि सन 36 की बात, वृंदावन कुंभ बैठक थी, तो उस जमाने में अंग्रेजी शासन था, बहुत समृद्धि थी नहीं, और महाराज जी बताते थे कि पुराना खाकचौक स्थान होने के नाते से तीनों अनी के श्री महंत और चतुष संप्रदाय के श्री महंत रहते यहीं थे, जमुना किनारे बस बैठक होती थी, रहते यहीं थे स्थान में, उधर मलुक तक सब पड़ा हुआ था वहां सब लोग रहते थे साधु महात्मा, जगन्नाथ घाट टिकारी घाट ज्ञान गुदरी इसी में सब संत पढ़ते थे। तो महाराज जी बताते थे कि मुख्य रसोई पंगत सब खाक चौक में ही होती सब महात्माओं की। तो अब बड़ी समस्या ये थी कि भाई 150 मूर्ति की तो रोज की कोई बात नहीं हो जाए, अब महीना भर इतने बर्तन मांजने की सेवा सबसे कठिन है, रसोई तो हो जाएगी इतने बर्तन पात्र कौन अमनिया करेगा। तो बोले हम चिंतित थे, उसी समय एक महात्मा पहुंचे, 7 फुट लंबे होंगे, विशाल शरीर उनका, ओ लंबा चौड़ा तिलक लगाए हुए आए, महाराज जी दंडवत, आसन रखने की जगह, बोले पूछने की जरूरत है संतों का स्थान है आसन लगाइए। बोले महाराज ये पूछ इसलिए हम रहे हैं कि हम बड़े बड़े महंतों के यहां गए हैं, हमको लोग कहते आसन उठाओ, एक दिन से अधिक कोई हमको रखता नहीं है, दूसरे दिन हमको वहां से जाना ही पड़ता है, तो हम आपसे पूछ के आसन लगावे, महीना भर हम यहीं रहना चाहते। तो महाराज जी ने कहा ऐसा कौन सा दोष आपके भीतर है जिससे आप वो लोग आसन लगाने के लिए महंत मना कर देते हैं कि महाराज हो गया दंडवत प्रणाम पधारो आगे। तो उन्होंने कहा महाराज आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी खुराक इतनी ज्यादा है, इतनी खुराक ज्यादा है कि कितना खाते हो पूरी बताओ। बोले महाराज 25-50 लोगों का भी प्रसाद बच जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये दास अकेले ही बहुत है, 50 मूर्ति का प्रसाद बच जाए तो अकेले ही जैसी आराम। तो महाराज बोले वाह तो बहुत अच्छी बात है, खुराक खाप की बहुत अच्छी है, और केवल प्रसाद ही प्रसाद पाते हो कि कुछ कैंकर भी करते हो सेवा भी करते हो। बोले सेवा की बात तो सेवा में हम पीछे नहीं हटते हैं,
पूरे स्थान की झाड़ू बुहारू बर्तन मांजना सफाई करना लकड़ी फाड़ना और रसोई भी बढ़िया बनाना जानता हूं, सारी सेवा अकेले कर दूंगा। संग सहाय न दूजा, अकेले कर दूंगा सब, और सबसे पीछे पाऊंगा। पर एक मेरी प्रार्थना है, जब कुठार से सामान निकलेगा तो जितना मैं कहूं उतना निकाल, क्यों वो जानते थे कि इतना कम भी ना हो कि हमारे लिए न रह जाए, सबसे पीछे पाना है तो हम जितना कहें उतना कुठार से राशन निकालना पड़ेगा। बोले महाराज ठीक है, सब शर्तें तुम्हारी मंजूर हैं, रहो प्रेम से। फिर बोला महाराज एक शर्त और है, हम सबको पंगत फेर के करा देंगे, हम प्रसाद पावे फिर हमको कोई देखे नहीं, ये भी बात है। बोले चलो ठीक है, ये भी कर लेंगे, लेकिन यदि तुम कैंकरी नहीं किए तो हम खाली फुलका बिगाड़ने के लिए यहाँ नहीं रखेंगे, अन्न का बड़ा कंट्रोल है, अंग्रेजी शासन था। तो बोले वो महात्मा सब शर्तें मंजूर कर ली। अब कहते अकेले ही वस्तुतः रसोई भी बना लेते, सारे बर्तन अकेले अमनिया कर लेते, ऐसे जितना साफ बर्तन भीतर से उतने ही पीछे से, इतना एकदम चमकता हुआ, सब काम बढ़िया, बड़े सब प्रसन्न थे। महीना भर हो गया तो महाराज जी कहते आखिरी दिन मैंने सोचा कि एक बार देखे तो सही कि महात्मा प्रसाद कैसे पाते हैं, अब तो हमारा काम तो पूरा हो ही गया, बैठक भी हो ही गई, अब देखते हैं कैसे पाते, तो बड़ा भंडारा था। तो महाराज ने क्या देखा कि एक परात में इतना ढेर तो महाप्रसाद का लगा रखा था उन्होंने, भात का, और कटोरा वटोरा में नहीं, एक भगोनी में दाल, एक भगोनी में साग, और कम से कम एक बड़ी डलिया के बराबर इतना ढेर पूड़ियों का, और बहुत शीघ्रता से जैसी आराम कर रहे थे पा रहे थे, सब पा गए। महाराज जी दो बार देखने गए, धीरे से पा करके आचमन किया, आचमन करके आसन बांधा, से ताराम महाराज दंडोत, क्यों महाराज? बोले हमारा नियम भंग हो गया, आपने दो बार ताक करके देख लिया, मुझे शर्म आ गई, अब मैं इतना कैसे खा पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं महाराज रुको, कोई अन्य की कमी नहीं। बोले नहीं नहीं अब नहीं हम रुकेंगे, अब हम जा रहे हैं। तो महाराज जी कहते कई बार कि हमको कई बार ऐसा लगता कि कहीं संत सेवा एक महीना की करने के लिए हनुमान जी ही तो संत वेश में नहीं आ गए थे, कहीं क्या, क्यों? बोले इतना भोजन एक मनुष्य तो कर नहीं सकता, कहीं हनुमान जी ही तो नहीं संत वेश में आ गए थे। कहते कई बार मन में ऐसा आता। तो ठाकुर जी ने पहले प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि हमारे बहुत खाने की शिकायत की गई तो हम यहां से उठकर चले जाएंगे। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, आवत अनेक साधु भावत टहल हिए, 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 लिए चाव दावे पाँव सवनी लड़ावनो, लिए चाव दावे पाँव सवनी लड़ावनो, ऐसे ही करत मास तेरा व्यतीत भय, ऐसे ही करत मास तेरा व्यतीत भय, ऐसे ही करत मास तेरा व्यतीत भय, ऐसे करत मास तेरा व्यतीत भय। आहा
गए उठी आपने कु बात को चलावनो आ गए उठी आपने बात को चलावनो आ गए उठी आपने कु बात को चलावनो आ गए आपने को बात को चलावनो आवत अनेक साधु अनेक संत पधारते हैं क्यों बोले भावत टहल ही ये देहली दीपकन न्याय से भावत टहल ही ये इसका अन्वय दोनों ओर है। एक तो ठाकुर जी को टहल अपने ही में अच्छी लगती, सबसे प्रिय ठाकुर जी को संत सेवा लगती है, एक भाव तो यह है। और दूसरा भाव यह है कि संतों को अंतर्यामी की टहल बहुत अच्छी लगती है। और तीसरा भाव यह है कि श्री त्रिलोचन जी को अंतर्यामी की सेवा बहुत अच्छी लगती है, है? तो भावत टहल ही है। क्यों बोले लिए चाव दावे पावो सवन लड़ावनो, सुबेरे जगने से लेकर सोने तक सब संतों की सेवा करते हैं। बड़े बूढ़े संतों के लिए बढ़िया प्रभाती को पत्थर से थोड़े कूट करके कुचल करके उसे मृदु बना करके थोड़ा पानी में डुबा करके उसको और नरम करके बड़े बूढ़े संतों को प्रभाती तैयार करके रखते, सुंदर बढ़िया मिट्टी उनकी शुद्धि के लिए तैयार करके रखते। जो संत कुछ वात रोग की अधिकता है उनके लिए गुनगुना पानी तैयार करके रखते स्नान के लिए, संतों की मालिश कर देते और सोते समय सबके चरण दबाते। आप लोग कहेंगे सैकड़ों साधु कितनों के चरण दबाते होंगे, थोड़ी थोड़ी देर चरण दबाते होंगे तो महाराज आखिरी साधु के चरण दबाने में तो सवेरा हो जाता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अनंत रूपों में प्रकट होकर के सबकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए सवन लड़ावनो, प्रियादासी कहते सवन लड़ावनो, सब संतों को लाड़ लड़ाते हैं। ऐसे ही करत मास तेरह व्यतीत भय, ठाकुर जी को चौका बर्तन झाड़ू बुहारू रसोई संत सेवा सब करते करते 13 महीना बीत गए। और अब ये देखो हुआ सब भगवान की ही इच्छा से, नहीं तो त्रिलोचन जी की पत्नी को बात चलाने की जरूरत क्या थी, वो ठाकुर जी लीला किया ठाकुर जी ने। 13 महीने के बाद एक घटना घटी, ठाकुर जी ने पहले कह दिया था कि हमारे ज्यादा खाने की शिकायत कोई करेगा तो हम नहीं रहेंगे, और यही शिकायत त्रिलोचन जी की पत्नी के मुख से निकल गई। वे पड़ोस में गई, एक दिन पड़ोस में गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इतनी संत सेवा घर में होती थी कि ठाकुर सेवा संत सेवा कथा कीर्तन अष्टयाम इससे अवकाश ही नहीं था कि वो कहीं जाती नहीं। माताओं का स्वभाव होता है, बुरा नहीं मानना, माताओं की संख्या ही सब जगह सत्संग में ज्यादा रहती है। माताओं का स्वभाव होता है कि अपने घर के काम से जैसी छुट्टी मिली कि वो कुछ नहीं होगा तो बाहर आके बैठ जाएंगी, नहीं होगा तो आसपास पड़ोस में जरूर हो आएंगी, आओ बहन यहाँ आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, फिर कुछ ना कुछ चर्चा उनकी होने लग जाएगी। पर घर में इतनी ठाकुर सेवा संत सेवा कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहा था कि इनको अवकाश ही नहीं मिला 13 महीने तक। 13 महीने तक त्रिलोचन जी की पत्नी घर की दहली से बाहर ही नहीं निकली, पर आज भगवत इच्छा से थोड़ा सा अवसर पंगत के बाद उनको मिला तो उन्होंने सोचा चलो पड़ोस में हुआ मैं। तो एक दिन गई ही पड़ोसीने के भक्त बधु, एक दिन गई पड़ोसीने के भक्त बधु, पूछ लई बात आहो काहे को मलीन हो, हाँ पूछ लई बात आहो काहे को मलीन है, बोली मोसु काय
टहलुआ लिवाए ल्याए बोली मोसकाए मेरे टहलुआ लिवाए ल्याए क्यों ना अघाय खोट पीस तन चीने हाँ क्यों ना अघाय खोट पीस तन चीने। एक दिन त्रिलोक जी की भक्तराज श्री त्रिलोक जी की पत्नी पड़ोस में गई। एक दिन गई ही पड़ोसन के भक्त बधु तो पड़ोसन ने पूछ लिया अरी बहन आजकल तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है तुम्हारे घर में तो बड़ा आनंद है भगवान करे ऐसा नौकर सबको मिले। भगत जी कहीं आते जाते नहीं है और रिद्धि सिद्धि खेलियां कर रही है और पहले तो 10-5 साधु आते थे अब तो सैकड़ों साधु जब देखो तब साधुओं की भीड़ जमघट लगा रहता कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव होता रहता है और भगत जी का तो कायाकल्प हो गया है बूढ़े हो गए थे जर्जर हो गए थे लकुट के सहारे चलते थे अब तो एकदम झुर्रियाँ सब समाप्त हो गई चेहरे पे चमक आ गई है कपोल खिल गए हैं क्या बढ़िया सुंदर धोती अचकन पहन करके प्रेम से हाथ में माला झोली लेकर के भजन करते रहते राम राम करते रहते वाह धन्य धन्य। लेकिन बहन एक बात का हमें बड़ा असंतोष है बड़ा कष्ट भी है। क्या? बोले सेठ जी में तो चमक खूब बढ़ गई है लेकिन तुम तो और भी अधिक दुबली पतली पहले से हो गई। क्या बात है? तो तुम्हारे शरीर में ये क्षीणता दुर्बलता कैसे आ गई? अब देखो यह बात पड़ोसिन ने पूछी तो त्रिलोचन जी की पत्नी ने दुखी होकर नहीं बताया निंदा करते हुए नहीं बताया। इससे सिद्ध होता है कि अंतर्यामी के प्रति उनको बहुत अधिक वात्सल्य है बहुत अधिक प्रेम है। इसलिए प्रियादास जी ने कहा बोली मुसुकाय यदि मन में कोई अन्यथा भाव होता तो मुस्कुराकर बोलती तो 10-5 खरी खोटी सुना के कहती कि क्या बतावे हमारा कर्म फूट गया ऐसा नौकर आ ये कहती लेकिन ये नहीं कि बोली मुसुकाए मुस्कुरा करके कहा बेटे टहलुआ लिवाए ल्याए। भगत जी ने एक टहलुआ लिवा करके रखा है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ऐसा टहलुआ ऐसा सेवक तो सबको चाहिए जैसा सेवक अंतर्यामी तुम्हारा है। बोले हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है तो फिर तुम्हारा शरीर दुर्बल क्यों हो रहा है? भगत जी के स्वास्थ्य में इतना सुधार आ गया इतनी चमक आ गई उनके शरीर में एकदम कायाकल्प जैसा हो गया पर तुम तो जैसी पहले थी उससे भी तो तुम्हारा शरीर कुछ और अधिक दुर्बल हो गया क्या कारण है? तो अब बेचारी को ध्यान नहीं रहा कहा कि भाई देखो सेठ जी को तो इस समय कुछ करना नहीं पड़ता खाली माला फेरते हैं अब मुझे बहुत कुछ करना पड़ता तो क्या करना पड़ता तुम्हें? अरे सब काम तो अंतर्यामी ही कर रहा है तुम्हें क्या करना पड़ता? बोले अंतर्यामी सबकी सेवा करता है और मुझे अंतर्यामी की सेवा करनी पड़ती है। अरे तो 15-16 साल का बालक ही तो है उसकी सेवा में क्या कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि उसको नहलाना धुलाना पड़े किशोर अवस्था का बालक है भोजन ही तो कराना पड़ता होगा। बोले हाँ भोजन कराना पड़ता ये तो ठीक है लेकिन महाराज उसकी खुराक बहुत डबल है हैं कम से कम 5 शेर तो एक बार में पाई जाता है क्यों ठाकुर जी ने पहले किया था कह दिया था खाऊं 5-7 शेर तो 5 शेर खा जाता है पर मैं प्रेम से उसको जिमाती हूँ तो पक्का तौल कर 7 शेर चून से कम की रोटी नहीं खाता। अच्छा इतनी खा जाता रोटी? अच्छा तो कोई बात नहीं तुम्हें तो बहुत पहले से अभ्यास है साधुओं की रोटी बनाने का कितने सेर आटा सेक देती बेल देती तो अब क्या है ये 5-7 सेर क्या है
अरे बोले महाराज एक समस्या और है। वो अंतर्यामी कहता है कि हम तो माताजी के हाथ की चक्की का पिसा हुआ है चून की ही रोटी खाएंगे, तो हमको 5-7 शेर गेहूं रोज पीसना और पड़ता है, ये और समस्या है। तो इसलिए क्यों हूं ना अघाय, वो अघाता नहीं है, खोट पीसी तन छीन है, ये पीसते पीसते चक्की पीसते पीसते हमारे शरीर की ये दशा हो गई। पर देखो बहन, काहू सो न कहो यह गहो मन माझे एरी, तेरी सो सुने गो जो पे जात रहे भीन है। पर सखी किसी से कहना नहीं, अपने मन में रखना है इस बात को, मुझे तेरी सो, सो माने सौगंध, तेरी सौगंध है, कहीं तूने किसी से कह दिया तो अंतर्यामी चला जाएगा, फिर हमारी बड़ी बुरी हालत होगी, फिर इतनी सेवा कौन करेगा। माताओं को बात नहीं पचती, यह बात बहुत प्रसिद्ध है। एक कथानक यह भी संतों से सुना है, गुरुजनों से, कि जब धर्मराज युधिष्ठिर महाश्राद्ध कर रहे थे, महाभारत युद्ध में मारे हुए लोगों के लिए जलदान पिंडदान आदि कर रहे थे, उसमें रोते रोते कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर अपने बड़े भाई कर्ण को भी अंजलि दे दो, उसका भी श्राद्ध विधि पूर्वक कर दो। महाराज जी यह सुनते ही युधिष्ठिर कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छित होकर के गिर गए, पिंडदान नहीं कर सके, और बहुत पश्चाताप उन्होंने किया कि अरे माता तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया, वे मेरे बड़े भाई थे, मैंने अपने बड़े भाई की हत्या स्वयं ही करवा दी। बहुत पीड़ित हुए। और एक बात महाभारत में लिखी है, वो जो बड़ी मार्मिक है, युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपनी क्रोध भरी दृष्टि से किसी को देखूं तो वो बड़े से बड़ा देवता ही क्यों ना हो उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा, मेरी दृष्टि में इतना तेज है। और मैं चाहता था कि मैं अपनी क्रोध भरी दृष्टि से कर्ण को जलाकर भस्म कर डालूं, और मुझे क्रोध उत्पन्न होता था कर्ण के प्रति, लेकिन मैं कर्ण के चरणों की ओर देखता तो मेरा क्रोध शांत हो जाता था, क्योंकि महात्मा कर्ण के चरण हे कुंती माता आपके चरणों के जैसे ही थे, तो अपनी माता के चरणों की छवि उसके चरणों में देख करके मैं मन ही मन प्रणाम कर लेता था, मेरा क्रोध शांत हो जाता था, अन्यथा मैं अपने क्रोध की दृष्टि से उसे भस्म कर देता। पर तुमने इस बात को छिपा कर रखा। बोले कर्ण ने ही हमसे कह दिया था कि तुम छिपा के रखना, पहले बता दोगी तो युधिष्ठिर राज्य स्वीकार नहीं करेंगे और युद्ध ही नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो इस धरती पर धर्म राज्य की स्थापना नहीं होगी, अधर्मी के शासन को निर्मूल करने के लिए, धर्म राज्य की स्थापना के लिए दुर्योधन का विनाश होना जरूरी है, और मैं उस अधर्मी का पक्षपाती हूं इसलिए मेरा भी विनाश होना आवश्यक है, ये कर्ण ने मुझे स्वयं कहा था। ये है कर्ण की उदारता। युधिष्ठिर ने शाप दे दिया, तुमने इतने दिनों तक छिपा कर रखी बात, अब हम शाप देते हैं, आज के बाद स्त्रियों में कोई बात छिपेगी नहीं। इनका प्रचार तंत्र बहुत उन्नत है, बढ़िया से किसी माताजी को कह दो, देखो बहुत रहस्य की बात है, किसी को खबर ना पड़ जाए, सवेरा होने में तो देर होगी, पूरे कम से कम खेड़ापा गांव में तो पता चल ही जाएगा क्या होने वाला, कानों कान बात फैल जाती है। सत्राजित के प्रकरण में यही तो हुआ, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरा भाई प्रसेन मणि धारण करके जंगल की ओर गया था, लौट के नहीं आया, अभी कोई पुष्ट खबर नहीं है, संभावना ऐसी है लगता है हमारे भाई प्रसेन को मारकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मणि की चोरी कर ली, मणि छीन ली। और देख देवी
बहुत बड़ी बात है और कोई पक्की खबर भी नहीं है, कहना नहीं किसी से। अरे भला मैं क्यों कहने वाली। और वो बगल में गई तो कहा, अरे बहन तुम्हारे घर में तो सिमंतक मणि जो 8 बार सोना उगलती वह आ गई और तुम्हारा चेहरा फिर भी उदास है, क्या बात है। अरे बहन कुछ मत पूछो। नहीं नहीं तुम छिपा रही हो, देखो कह दूंगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने कहा तुम्हें मुझे मेरी मरे मुंह का मुंह की सौगंध है, कहते ना मेरी मरी का मुंह देखना है। मैं अपने मन की कोई बात तुमसे नहीं छिपाती तो तू कैसे छिपा रही है। तो ठीक है तू इतनी शपथ ले रही है तो किसी से कहना नहीं, श्री कृष्ण ने मेरे देवर जी को मार के मणि चुरा ली है। उसने तीसरे से, तीसरे ने चौथी से, चौथी ने पांचवी से, 56 करोड़ यदुवंशियों के घर में, संध्या की बात है महाराज जी, और रात्रि को 12 बजे सब गुप्तचरों से समाचार लेकर भगवान शयन में जाते हैं। गुप्तचर उदास होकर खड़े हैं, कहो क्या खबर है गुप्तचरों। बोले महाराज बड़े दुख की बात है, जिस द्वारिका के घर घर में आपकी लीला कथा की चर्चा होती थी, आज द्वारिका के घर घर में यही चर्चा है। बताओ वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश भगवान ने प्रसेन को मार करके मणि चुरा ली, आपकी निंदा हो रही। यह है माताओं का प्रचार तंत्र। तो महाराज जी पूरे में नगर में हल्ला मच गया कि, और जैसे ही हल्ला मचा ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। आ अंतर्धान हो गए तब कैसी स्थिति हुई, सुनी लई यही नेकु गए उठी हुती टेक, सुनी लई यही नेकु गए उठी हुती टेक, दुख हु अनेक जैसे जलबीन मीन है, आ दुख हो अनेक जैसे जलबीन मीन है। अंतर्यामी के अंतर्धान होने पर त्रिलोचन जी की उनकी पत्नी की अवस्था ऐसी हो गई जैसे मछली को जल से बाहर निकालकर तपती हुई बालुका में डाल दिया जाए, प्रतप्त बालुका में छोड़ दिया जाए, ऐसे छटपटाने लगे, रो रो करके घर घर जाकर पूछने लगे, भैया तुमने अंतर्यामी को देखा, कितने दिन हो गए। बीते दिन तीन अन्न जल करीन भए, बीते दिन तीन अन्न जल करी हीन भए, बीते दिन तीन अन्न जल करी हीन भए, बीते दिन तीन अन्न जल करी हीन भए, ऐसो सो प्रवीण आओ तेरी का पाई। तीन दिन तीन रात त्रिलोचन जी को अपनी पत्नी के सहित रोते हुए विलाप करते हुए बीत गए, ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया, और कहते ऐसा कुशल संत सेवा करने वाला बालक अब और कहां मिलेगा। बड़ी तू अभागी बात काहे को कहन लागी, बड़ी तू अभागी बात काहे को कहन लागी, रागी साधु सेवा में तू ऐसे करी लाई, रागी साधु सेवा में जो कैसे करी लाए। तू बड़ी भाग्यहीना है, तूने क्यों ऐसी निंदा चुगली की,
ऐसा संत सेवा का अनुरागी और अब कहां मिलेगा। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, ठाकुर जी से भी सहन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, भई न भवानी तुम खावो पीवो पानी या, भई न भवानी तुम खावो पीवो पानी या, मैं ही मती खानी मोको प्रीति रीति भाई। मैं ही मरी ठाने वो को प्रीति रीति भाई। एक प्रश्न है, ठाकुर जी उन्हीं के सामने प्रकट होकर कह देते कि तुम अन्न जल ग्रहण करो, मैं ही तुम्हारे यहाँ नौकर बन के सेवा कर रहा था। आकाशवाणी करके ठाकुर जी ने उस पूरे पंढरपुर को और पूरे क्षेत्र में सैकड़ों गांव में यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे भक्तराज त्रिलोचन, तुम्हारे घर में 13 महीने तक चौका बर्तन रसोई और सब प्रकार की टहल करने वाला सेवक अंतर्यामी मैं पंढरीनाथ भगवान ही था और कोई दूसरा नहीं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी सीधे आके कह देते कि हम तुम्हारे यहां नौकर बन के रहे, आकाशवाणी करने की जरूरत क्या थी, हजारों लाखों लोग सुने इसकी क्या जरूरत थी। इस लीला के माध्यम से भक्तराज त्रिलोचन की महिमा को भगवान सबके अंतःकरण में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, साधु सेवा का भाव सबके भीतर जगाना चाहते थे कि साधु सेवा की ऐसी महिमा है। एक महाजन वैश्य के घर में ठाकुर जी टहलुआ बन करके सेवक बन करके रहे, तो हमें भी साधु सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, मैं तो हूँ अधीन तेरे घर में ही रहूं लीन, मैं तो हूँ अधीन तेरे घर में ही रहूं अधीन, जो पे कहो सदा सेवा करीबे को आई। हाँ, जो पे गो सदा सेवा करीबे को आई। मैं तो आपके अधीन हूँ, आपके घर में ही रहता हूँ, और आप कहो तो फिर उसी अंतर्यामी रूप से माई बाप जुहार है, जुहार है अन्नदाता, आज्ञा दीजिए क्या सेवा करूँ, उसी नौकर के वेश में फिर आ जाऊं। त्रिलोचन जी ने कहा कि उस नौकर बनके तो मत आइए, लेकिन उस अपनी मधुर झांकी की, उस मधुर बांकी झांकी का दर्शन करा दीजिए। ठाकुर जी अंतर्यामी रूप में फिर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्रिलोचन जी भगवान के चरणों में लिपट गए, साक्षात पंढरीनाथ जी प्रकट हैं। अब तो और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। बोले कीने हरि दास में तो दास हूना भयो नेक, कीने हरि दास में तो दास हूना भयो नेक, मैं भगवान का दास कहाँ बन पाया। हरि कहे दास, उन्हें हरिदास कहते हैं, लेकिन हमने तो हरि को ही अपने घर में दास बना लिया, तो हम हरिदास कहां बन पाए। मैं तो हाँ कीने हरिदास में तो दास हूना भयो नेको, कीने हरिदास में तो दास हूना भयो नेको, पढ़ो उपहास मुख जग में दिखाइए। हाँ, बड़ो हास मुख जग में दिखाइए। कहें जन भक्त कहा भक्ति हम करी कहो, जन भक्त कहा भक्ति हम करी कहो,
अहो अज्ञ खाई रीति मन में नाई है। अहो अज्ञ खाई रीति मन में नाई है। उन्हीं की तो बात बनी आवे सब की तो बात बने आवे सब उन्हें ही सो गुण ही को लेत मेरे अगुण छिपाई है। हाँ उन्हें ही को लेत मेरे अगुण छिपाई। त्रिलोचन जी कहते भगवान की बात तो भगवान से ही बन सकती है, हमारे दोषों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे जैसे सामान्य जीव के सेवक बन गए। ब्रह्मा जी शंकर जी लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती हैं, उन भगवान ने मेरे चरण दबाए, मेरी जूठी थाली धोई, मेरे मालिश करके स्नान कराया। हाय हाय मैं बड़ा भारी अपराधी हूँ। आए घर माज तऊ मूढ़ में ना जान सक्यो। आए घर माज तऊ मूढ़ में ना जान सको। आवे अब क्यों हो धाय पाय लपटाइए। आवे अब को धाय पाय लपटाइए। अब आ जाए तो मैं उनके चरणों में लिपट करके क्षमा प्रार्थना कर लूं। ठाकुर जी चरणों प्रकट हो गए और महाराज चरणों में प्रणाम करके आपने क्षमा प्रार्थना की। अब महाराज जी एक बड़ी भारी लीला हुई, बड़ा चमत्कार हो गया। चमत्कार इस बात का हुआ कि अब घर में रहने वाले जितने संत थे उनको जब यह प्रत्यक्ष हो गया कि अंतर्यामी रूप से ठाकुर जी ही नौकर बन के रहे और फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए। देखो एक साधु सेवी की महिमा से उन संतों को भगवत साक्षात्कार हो गया सबको। अब जितने संत थे वो बोले, महात्मा थे वो बोले, बोले देखो भाई बात ऐसी है कि अब आप रुदन न करें, जिस घर में स्वयं ठाकुर जी ने सेवा की है अब उस घर में तो सेवक बनकर हम साधु रहेंगे। महाराज ये महात्मा तो बड़े दंगली होते हैं, इनके मन में आ जाए फिर हजारों मूर्ति की रसोई बना दें, हजारों की पंगत करा दें। हाँ मन में ना आवे तो कुछ नहीं करेंगे, मन में आ जाए। अब सब संतों के मन में आ गई, कुछ संत कुठारी बन गए, कुछ भंडारी बन गए, कुछ रसोईया कुछ पुजारी बन गए और फिर बड़ी अद्भुत संत सेवा श्री त्रिलोचन जी के यहाँ हुई। बोलो श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। ईश्वर धाम वाले स्वामी जी कृपा करके पधारे हैं, सर वाले मामा जी की ये पंक्तियां हैं, फिर कभी समय आने से कहेंगे, एक दो पंक्ति कह ले। हाँ। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। हाँ ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। हाँ ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी।
जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में हाँ, जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल के सेवा में मत पाले तन मन धन करी संतन सेवत गुनी आप ही बड़ भागे हाँ, तन मन धन करी संतन सेवत गुनी आप ही बड़ भागे लागी जुरन वीर संतन की समुझी परम अनुरागी हाँ, लागी वीर वीर संतन की समुझी परम अनुरागी प्रभु पाने सेवा करन हार को नाही या की चिंता लागी हाँ, सेवा करन हार को नाही चिंता लागे इकली भक्तानी करे कहाँ तक यही एक है खामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतरया इकली भक्तानी करे कहाँ तक यही एक है खामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी हाँ ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत के नामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी सेवक निपट प्रवीण मिले जो सेवा की विधि जाने सेवारंग प्रवीण मिले जो सेवा की विधि जाने प्रेमी होए थके ना कब हूँ संतन की रुचि पहचाने हाँ प्रेमी होए थके ना कब हूँ संतन की रुचि पहचाने शीलबान हो व्यसन रहित नहीं झंझट कब हूँ ठाने हाँ शीलबान हो व्यसन रहित नहीं नहीं झंझट कब हूँ ठाने लग्यो रहे उत्साह सहित अरु सेवा में सुख माने हाँ लग्यो रहे उत्साह सहित अरु सेवा में सुख माने नित बिनवत प्रभु से हे प्रभु जी भेजो ऐसो को अनुगामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के हाँ ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत के नामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी ऐसो दूजो और कौन या जग में बिनु गुण सागर ऐसो दूजो और जगन या जग में बिनु सागर संतन की सेवा में जो प्रभु सदा सदा के आगर हाँ संतन के सेवा में प्रभु जो सदा सदा के आगर हाँ भक्तन हित हैं कल्प वृक्ष कीरति त्रैलोक्य उजागर
भक्त हित है कल्प वृक्ष की अतिशय लोक उजागर। भक्त मनोरथ पूर्ण करण हित चले स्वयं नट नागर। भक्त मनोरथ पूर्ण करण हित चले स्वयं नट नागर। हाँ सकल जगत के स्वामी पहुँचे जन की करण गुलामी। पंढरी नाथ प्रभु किए चाकरी बन के अंतर्यामी। हाँ सकल जगत के स्वामी पहुँचे जन की करण गुलामी। धरे टहलुआ रूपक मेली धोती फटी सी कामर। धरे टहलुआ रूपक मेली धोती फटी सी कामर। मेली देह पनहिया टूटी सूरत थोड़ी सांवर। मेली देह पनहिया टूटी सूरत थोड़ी सांवर। लठिया ली ने हाथ शीश पे पगिया घूमर गामर। लठिया ली ने हाथ शीश पे पगिया घूमर गामर। नटवर के या नाटक को किमि लखे जीव कोई पावर। हाँ नटवर के या नाटक को कोई लखे जीव क्या पावर। चक्कर खा जावे विधि हरिहर बड़े बड़े गुण धामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर। चक्कर खा जावे विधि हरिहर बड़े 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 गुण धामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। हाँ ज्ञान देव के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। हाँ ज्ञान देव के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत के नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री राम धाम खेड़ापा धाम की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाराज जी तो विराज ही रहे हैं जोधपुर में परम सिद्ध पीठ श्री अजनेश्वर धाम वाले पूज्य स्वामी जी कृपा करके पधारे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। हैं तो कहीं आप आते जाते नहीं हैं, लेकिन रामधाम खेड़ापा में आपका मंगलमय पदार्पण हुआ, सबको दर्शन हो रहा है। अब हम पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान। आप वे सभी संतों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन साधुवाद। आज के इस आयोजन में हमारे पूज्य संत जनों के साथ और भी कई विशिष्ट अतिथिगण पधारे हैं। मैं
अमृत महोत्सव सत्संग सेवा समिति की ओर से पधारे हुए सभी संतों का, भक्तों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद करता हूँ। भगवान की विशेष कृपा हुई इस अमृत महोत्सव स्वर्ण जयंती के उत्सव में पूज्य महापुरुषों के श्रीमुख से हम अमृत कथा का पान कर रहे हैं। ये अमृत न स्वर्ग में है, न वैंकुट में है, न गोलोक में है, ये अमृत केवल भूलोक में संतों के सानिध्य में प्राप्त होता है। जीवन का ये असली समय हमें प्राप्त हुआ है, बाकी जो समय संसार के काम धंधों में व्यतीत होता है, संसार में किया हुआ कार्य संसार में ही रहता है, लेकिन अपने लिए यदि कुछ अर्जित करना हो तो ये मौका है। रामधाम खेड़ापा में स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव कार्यक्रम भक्तमाल की कथा में पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम भक्तों के चरित्र अमृत कथा का पान भगवत भाव के साथ कर रहे हैं। हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और छोटी छावनी के पूज्य मैन जी महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि अयोध्या के दर्शन आपने किए या न किए, लेकिन साक्षात अयोध्या आज खेड़ापा रामधाम में नृत्य गोपाल दास जी महाराज के रूप में हमारे सामने हैं। हमारे संत समाज के आप एक भूषण हैं, संत शिरोमणि हैं, और आप हमेशा भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, और यहाँ के आयोजन को देखकर आपने विशेष कृपा की, यहाँ पधारे, और कल भी हमने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया, आज भी हमें आपके आशीर्वचन प्राप्त होंगे। साथ में ही अजनेश्वर आश्रम से पूज्य श्री शांतवेश्वर जी महाराज, पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान जहाँ माताएं बहनें संत रूप में विराजमान रहती है, जहाँ रात्रि में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, जहाँ केवल मातृशक्ति वहाँ रह सकती है, और पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ महिलाएं संत रूप में प्रभु भक्ति में तल्लीन रहती है। और वर्तमान में हमारे पूज्य महाराज श्री शांतेश्वर जी महाराज, सरल ऐसा आपका स्वभाव है, नाम भी शांतेश्वर है, वास्तव में आपका शांत स्वभाव और संतों के प्रति जो आपकी निष्ठा है, भक्ति है, वो एक अनुकरणीय है। संत सेवा का यदि किसी को लाभ सीखना हो तो शांतेश्वर जी महाराज के चरणों में अजनेश्वर धाम से हम प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य शांतेश्वर जी महाराज आप हम सभी के बीच में पधारे। हमने निवेदन किया था कि आपको खेड़ापा पधारना है, आप सभी संतों को लेकर के भी पधारे हैं। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम पूज्य संतों का स्वागत अभिनंदन करें। मैं पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में सभी की तरफ से नम्र प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी भक्त आपके आशीर्वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम पाथे यम जन्म मोक्ष पद पर पद प्राप्ति प्रस्थित विश्राम स्थानमेकं कविवरवत्सलां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामः। मंगलमय सत्पुरुषों का जो आशीर्वाद होता है प्रेमी सज्जनों, वो हमारी इस आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ने में बहुत सहायक होता है। वैसे कोई चिपकने वाली कमजोर चीज होती है तो वापस खुल जाती है, वो कारी चिपका हुआ उनसे अलग हो जाता है, परंतु जो प्योर चीज होती है, बढ़िया चीज होती है, तो वो चिपकने के बाद में दूर नहीं होती। इसी प्रकार ये सत्पुरुषों का जो आशीर्वाद है परमात्मा के साथ में हमारे जोड़ने का ऐसा काम करता है कि जुड़ने के बाद में फिर वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। हम अपने साधन से, हम अपने विवेक के द्वारा या और किसी प्रकार से आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो हमारी चेष्टा तो आगे चल करके निष्फल हो सकती है, क्योंकि कई प्रकार के श्रेयसु वो विघ्नानी, कई प्रकार के विघ्न आते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, संसार के झंझावात में हम ऐसे उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं कि हमें अपना आगे का मार्ग ही दिखना बंद हो जाता है।
परंतु सत्पुरुषों का जो आशीर्वाद है हमारे उस अंधकारमय जीवन में दिव्य प्रकाश प्रदान करने के लिए हेडलाइट का काम करते रहते हैं। इसलिए इन सत्पुरुषों के आशीर्वाद के लिए हमें सदा लालयत रहना चाहिए और इसका एक ही उपाय है, सदा हम उनके सम्मुख रहें। हमें सम्मुख रहने का मतलब जो कभी भी हम उनके वचनों से विपरीत नहीं चले, जैसा वे चाहते हैं, जैसा वे कहते हैं और जिस प्रकार की उनकी शिक्षा है वो हमारे जीवन में उतरती जाए, वो ज्यों ज्यों उतरेगी त्यों त्यों हमारा जीवन दिव्य प्रकाशमय मंगलमय होता रहेगा। इसलिए उनके सम्मुख हमें सदा रहना चाहिए, कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। सन्मुख हो ये जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तभी हमारे कितने जो कर्म है वो कर्म हमें भटकाने वाले, परंतु जो ही हम उनके सम्मुख होते हैं महापुरुषों के सम्मुख होते ही सभी प्रकार के राम बजाते रामदास हो कर्मा को नाश, बरसंता हो गए नहीं गेला माही घास। मार्ग में जैसे कोई घास पैदा नहीं होता है, बाकी जमीन में वर्षा होते ही घास पैदा हो जाता है, इसी प्रकार सत्पुरुष जो हमें मार्गदर्शन देते हैं हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उनके मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को सदा महापुरुषों के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। बस यही मंगल कामना है। सभी प्रेमीजनों को बहुत बहुत राम जी राम। रामानुजम सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जग पानी। व्यासपीठ पर विराजमान श्री रामानंद संप्रदाय के गौरव श्री मलोकपीठ के आचार्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान, सभी समादरणीय संत वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, यह अमृत महोत्सव अपने में बड़ा ही विलक्षण और दिव्य है। अमृत के रूप में संतों की वाणी ही अमृत है, संतों के दर्शन अमृत स्वरूप है। श्री रामस्नेही संप्रदाय अपने में अद्वितीय संप्रदाय है। राम स्नेह सरस मन जासु साधु स्वभा बड़ आदर तासु। भगवान के चरणों में स्नेह हो वो साधु समाज में समादरणीय है। और यह संप्रदाय तो राम स्नेह से ही भरा हुआ राम स्नेही संप्रदाय। विशेषकर श्री राम नाम की इस संप्रदाय में मान्यता राम नाम का ही गुणगान और यहाँ अखंड कीर्तन भी श्री राम नाम का चल रहा है। रामस्य नाम रूपम च लीला नाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान की जो अभिव्यक्ति है
चार प्रकार से होती है, नाम रूप लीला धाम। सबसे बड़ा उसमें नाम है, नाम और नामी में अभेद संबंध है। नाम रूप द्वई ईश उपाधि, भगवान की दो संज्ञाएं हैं, एक नाम और एक रूप, दो और संज्ञाएं हैं, लीला धाम, राम नाम रूप लीला और धाम, ये जो चार हैं ये भगवत स्वरूप। एक का भी आश्रय लेने से भगवान मिल गए, नाम का आश्रय ले लिया भगवान मिल गए, रूप का ले लिया भगवान मिल गए, लीला का मिल गया भगवान मिल गए, धाम का मिल गया भगवान। किसी भी एक का आश्रय ले ले भगवान मिल गए। सबसे बड़ी विशेषता नाम की, नाम में ही रूप बसा हुआ है, नाम में ही लीला और नाम में ही धाम। रूप लीला और धाम श्री नाम में विराजमान है। नाम महाराज वह प्रबोधक चतुर्दुभाषी, नाम महाराज निर्गुण निराकार का बोध कराता है, भगवान का बोध कराता है, सगुण सरकार का स्वरूप बताता है। नाम में लीला भी है और धाम भी है, इसलिए संतों ने नाम की उपासना की है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से दर्शन हैं, सिद्धांत हैं, जहाँ केवल नाम की आराधना उपासना करते हैं। इसलिए नाम की आराधना उपासना भी अपने में पूर्ण उपासना है, अपने में परिपूर्ण है। नाम महाराज देखिए, नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विषय, नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत पड़े जाए बखान। नाम और रूप की महिमा अपार है, वो हमारी समझ के बाहर है। नेति नेति जे वेद निरूपा, भगवान को नेति नेति कहा गया है। नेति का तो जिनकी जिनके गुण और नाम रूप लीला धाम आदि का वर्णन करने में कोई पार नहीं पा सकता, यही नीति। किसी भी रूप में जो नाम की आराधना कर रहे हैं, रूप लीला धाम तो अपने आप ही उसमें आ जाता है। भगवान की भक्ति में नाम की प्रधानता है। भक्ति क्या है, महापुरुषों ने कहा है, तैल धारावत अवच्छिन्न स्मृति संतान रूपा भक्ति। तेल की धार जैसे अजस्त्र अनवरत गिरती रहती है, वैसे ही भगवान का सतत स्मरण होता रहे, यही भक्ति।
भक्ति की परिभाषाएं बहुत, भज सेवायाम, भजनम भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये भक्ति के स्वरूप हैं। परंतु सब में नाम महाराज की विशेषता है। हम अपने व्यावहारिक जीवन में खाते पीते चलते उठते बैठते नाम ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं झूठे मुंह से कैसे नाम लें। अरे झूठे मुंह से नाम लीजिए तो भी आप पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत पुनरीकाख्यम स बाह्याभ्यंतर। मंत्र जो है ना झूठे मुंह से नहीं लिया जा सकता। सोए सोए नहीं लिया जा सकता, खड़े खड़े नहीं लिया, चलते चलते बातचीत करते हुए मंत्र का जप नहीं किया जा सकता है। परंतु नाम की उपासना किसी भी प्रकार से करिए, आपका कल्याण होगा। खाते खाते करते हैं, पीते पीते चलते चलते आपको बताएं, कई लोग कहते हैं न जाने किसका मुंह देख लिया, सारा दिन खराब हो गया। कई लोग कहते हैं रात में बुरे सपने देखते। अरे भाई किसी का मुंह खराब नहीं है। भगवान का नाम ले करके सवेरे उठिए। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरा। भगवान का नाम लेकर के प्रातःकाल उठेंगे, सारा दिन मंगलमय व्यतीत होगा। सोते समय भगवान का नाम ले लिया, बुरे सपने नहीं दिखाई पड़े और पूरी रात आपका भजन हो गया। सवेरे ले लिया, सोते समय ले लिया तो आपका जीवन संपुटित हो। बड़ी सुंदर चर्चाएं हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी से सुन रहे थे। वास्तव में भगवान को भक्तमाल अत्यंत प्रिय है। इसका अर्थ यह है भक्तों की माला, भगवान अपने गले में धारण करते हैं। अरे भाई जिनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी है, सोना चांदी की माला से क्या फायदा। श्री अयोध्या जी में बड़ी पुरानी बात है, गोलाघाट पर एक महात्मा रहते थे। वो प्रतिदिन श्री कनक भवन अयोध्या जी में, श्री कनक भवन में जाकर के भगवान को भक्तमाल सुनाते। भगवान को क्यों, भगवान को अपना गुण पसंद नहीं है। भगवान को तो भक्तों का गुण ही प्रिय है। तो वही महात्मा प्रतिदिन कनक घर में ठाकुर जी को भक्तमाल सुना। आप सोच ले भगवान कितने प्रसन्न होते हो।
श्री भक्तमाल जी संपूर्ण संतों की भक्तों की गाथा है। आपने अभी तक सुना संतों की महिमा कितनी कही गई। मोते अधिक संत कर लेखा भगवान अपने स्त्री मुख से कहते हैं, हमसे अधिक संतों को मान। सीतापति सेवक सेवकाई काम धेनु सत सरि सुहाई। अयोध्या के गणमान्य महापुरुष कहते थे सीतापति भगवान उनकी उनके सेवकों की सेवा करने से उसका फल क्या होगा कि अपने घर में सैकड़ों कामधेनु बसा लिए। आपके घर में सीतापति के सेवकों की सेवकाई हो रही है तो आपके घर में सैकड़ों कामधेनु बस गए। हम लोगों ने अनुभव किया है, दो संत दस संत हैं तो उस आश्रम में उसी प्रकार से भगवान भेजते हैं, और जहाँ हजारों हैं भगवान वहाँ उसी हिसाब उसी प्रकार से उसी हिसाब से भेजते। संतों के भाग्य से ही आता है, संतों के भाग्य से ही मिलता है। भगवान भक्त वत्सल है, नमामि भक्त वत्सलम। भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान को हजार गाली दीजिए नाराज नहीं होंगे। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोज रहे, हजार गाली दीजिए भगवान कभी नाराज न होंगे। परंतु यदि भगवान के भक्तों का अपमान किया तो इसको भगवान किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकते। भगवान ये की भक्तवत्सलता यही, भगवान अपार करुणा वरुणा रहे हैं। अब आपको बताएं, हमारे ही श्री रामानंद संप्रदाय में भगवान की निर्गुण निराकार की भी उपासना करने वाले सिद्धांत हैं और सगुण साकार की उपासना करने वाले ही भी संप्रदाय में सिद्धांत, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, भगवान सगुण साकार भी। निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित नहीं, त्रिगुण सत्व रजस तम जो प्रकृति के गुण हैं उनसे रहित। हम लोग जीवात्मा त्रैगुण विषया वेदाः नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रिगुणात्मक में फंसे हैं हम लोग जीव। भगवान त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों के ऊपर शासन कर। इसलिए भगवान की आराधना में सबकी आराधना हो जाती है। सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, वैसे ही भगवान की आराधना में सबकी आराधना हो जाती। कई बार
ये वाद विवाद उठता है, शनि की उपासना, शनि भगवान है कि शनि देवता है, क्या है, और भी विभिन्न रूपों में आप किसी भी की भी उपासना करिए। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है, पंचदेव उपासना करिए, परंतु उपासना करने के साथ साथ सब कर मांग है एक फल, राम चरण रति हो मेरे मन मंदिर बसे श्री रघुनंदन दो। उपासना आराधना आप किसी की करिए, जैसे छोटी छोटी सारी नदियाँ गंगा जी में मिल जाती हैं, वैसे ही सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छ, किसी को भी नमस्कार करिए वो भगवान के यहीं पहुँचेगा, जैसे सभी नदियाँ गंगा जी में जाके मिल जाती। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए, हम उपासना करें उसका फल भगवान के किसी भी देवता की, देवी की, भैरव, काली, शनि, कोई मानिए पूजा, परंतु का उस सबकर मांगे एक फल राम शरण। किसी की उपासना हम इसलिए नहीं कर रहे हम उसके भक्त हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि सब सबकी सबका फल, और सबसे प्रार्थना करें कि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम दीजिए भगवान भक्त। इसमें किसी की आराधना उपासना करने में कोई क्षति नहीं है, उन देवी देवताओं से भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में भक्ति मांगी, प्रेम मांगी। वास्तव में श्री राम स्नेही संप्रदाय तो स्नेह मय है, प्रेममय है, और यहाँ विशेष करके नाम आराधना, नाम उपासना होती है, और यह पुनीत आश्रम दिव्याति दिव्य है, भव्याति भव्य है, और परमानंद से परिपूर्ण है। एक दो संतों का बुलाना मुश्किल होता है, सभी देश के संत महात्मा पधारी, ये आपके पुण्यों का फल नहीं है, आपके पुण्यों का फल स्वर्ग और सुख हो सकता है, केवल भगवान की कृपा का फल है। जब द्रवह दीन दयालु राघव, जब द्रवह दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि न। संत दरस जिमें पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए सभी वैष्णव संप्रदायों में संत सेवा को मान्यता दी गई है। कभी भी हम साधु में भेद बुद्धि न करें, साधु में दोष दर्शन न करें, ना जाने का भी इसमें नारायण मिल जाए, भगवान किस वेश में है, क्या लीला कर रहे हैं। इसलिए संतों के प्रति सदा श्रद्धावान होना चाहिए, उनकी निष्ठा होनी चाहिए। आप कथा सुन रहे थे,
संतों की सेवा करने के लिए अंतर्यामी भगवान स्वयं सेवा करने के लिए पधारे। श्री जगन्नाथ जी में जाइए, भगवान का प्रसाद मिलता है। वहाँ महाप्रसाद में कोई जाति भांति का भेद नहीं था, कोई भी लाया कोई भी दे दिया। झूठे खाने की बात नहीं कहते, अब वो झूठा भगवान का प्रसाद कहाँ रह गया, तो उसका झूठा हो गया, झूठा की बात नहीं। हाँ, किसी के द्वारा लाया हुआ कोई भी भगवान का प्रसाद ला रहा है तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं रहती, भगवान का प्रसाद। और ये गलत है, लोग ऐसे कह देते हैं कि झूठा कुछ नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रेम और भक्ति के कारण लोग कहते हैं सबरी के झूठे फल खाए, प्रेम और भक्ति से कहते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर फल, परंतु बात ऐसी है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सबरिया पूजता राम, सबरी ने विधिवत भगवान राम की सेवा की। और भक्त लोग प्रेमी लोग कहते हैं झूठे फल सबरी के खाए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये बात अलग है। सबरी जी देखती होंगे किस पेड़ के फल मीठे हैं, कौन से हैं, वो अपना फलों को पेड़ों में से देख देख के छांट करके किसके फल मीठे हैं, इसने के फल मीठे भगवान को खिलाएंगे, वो बात, झूठे फल नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम। अंतर इतना है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम, उनकी लीला पठनीय मननीय श्रवणीय है, भगवान राम की लीला करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसको करना चाहिए, भगवान श्री राम ने जो कहा उसको करना चाहिए। अवतारा हसंख्या हरि अद्भुत कर्मण, भगवान के अनंत असंख्य अवतार है, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण प्रधान है। भगवान में और भगवान के अवतारों में कोई अंतर नहीं है, एक ही भगवान है, चाहे वो अवतार ग्रहण करें, किसी भी अवतार कर अवतार में रहें। कई लोग ऐसी भ्रांति फैलाते हैं, भगवान कृष्ण 16 कला, राम जी 12 कला, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं 16 कला वाले, राम जी 12 कला वाले, ये सब बिल्कुल गलत कहना है, गलत धारणा। ये कलाएं भगवान के साथ जोड़ने वाली नहीं है। चंद्रमा 16 कला से पूर्ण होता है, सूर्य 12 कला से पूर्ण होता है, तो चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न होने के नाते ये कलाएं भगवान के साथ जोड़ी जाती हैं, परंतु कलाओं की न्यूनाधिकता नहीं। भगवान तो अनंत कलाएं भगवान में विराजमान हैं, तो उनको 16 और 12 में नहीं आंका जा सकता। ये जो आयोजन होते हैं
इन आयोजनों का मूल तात्पर्य है भगवान के सुनत सुनत गुणग्राम राम के और अनुराग बढ़ाओ। भगवान के श्री चरणों में कैसे प्रेम होगा, सुनते 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 होगा। कई लोग कहते हैं, बहुत से महात्मा आते हैं, कहाँ तक सुनते रहे, बहुत सुन लिया। अब याद रखिए, रामचरित जे सुरत अघाही रस विशेष जाना ते नाही। बहुत कथा सुन लिए, कहाँ तक कथा सुने, वही कथा है। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने कुछ जाना, कुछ भी नहीं जाना। रामचरित जे सुरत अघाही रस विशेष जाना ते नाही, उनको कुछ भी समझ नहीं है। भगवान अनंत कल्याण गुणगण निलय दया दाक्षिण सौशील सौहार्द आदि दिव्य गुण भगवान में। इसलिए हम भगवान की आराधना उपासना करें और वो एक मेवा द्वितीय ब्रह्म भगवान एक है। नाम रूप से भले ही उनको हम पृथक पृथक करें, परंतु भगवान एक ही है। यहाँ तक चाहे मुसलमानों के भगवान हो, चाहे ईसाइयों के भगवान हो। त्राद्वायुष प्राण शमखाद नीरजायत आरति भक्त माल की करिए, आरति भक्त माल की करिए, भक्त भाव निज उर में भरिए, भक्ति भाव निज उर में भरिए, भक्त माल भक्तन की माला, भक्त माल भक्तन की माला, भक्तन को प्रिय चरित रसाला, भक्तन को प्रिय चरित रसाला, सुनत सपने मुलाड़ी लाला, सुनत सप्रेम लाड़ी लाला, युगल कृपाल ही भव निधि तरिए, आरती भक्त माल की करिए, युगल कृपाल ही भव निधि तरिए, भक्त माल प्रभु को अति प्यारी, भक्त माल प्रभु को अति प्यारी, नाभा अली ने बिरच सवारी, नाभा अली ने बिरच सवारी, अति आतुर हरि ने उर्धारी, अति आतुर हरि ने उर्धारी, पौयारी प्रिय में धरिए, आरती भगवान की करिए, पौयारी में धरिए, भक्त भक्त भगवत गुरु चर्चा, भक्त भक्ति भगवत गुरु चर्चा, श्रहृद संत गुरु प्रभु की अर्चा, श्रहृद संत गुरु प्रभु की अर्चा, नहीं ये प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा, नहीं ये प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा, उन्हीं का बहू भव डर नहीं डरिए, आरती भक्त माल की करी, आरती वरण आरती होवे, आरती हरण आरती होवे, सकल कलुष कलि कलमस धोवे, सकल कलुष कलि कलमस धोवे,
हरि हरि जन गियन नन जोवे, हरि हरि जन गियन नन जोवे, नारायण प्रभु सतत सुमिरिए, नारायण ही सतत सुमिरिए, आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।